को पता हो कि आजादी का पहला गुलगुलान पूरे देश में अगर कोई किया तो आदिवासी समाज सिद्धू कानू ने किया। ओल चिकी से वन क्लास से फाइव क्लास तक हमारी बच्चा पढ़े, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। वन से टू में पढ़ाई हो रही है, किताब भी तीन से पांच पर हमने शिक्षा विभाग को सचिव को आदेश दिया। हमने तय किया कि ग्राम प्रधान को भी हम 2000 रुपया प्रोत्साहन देंगे, डकवा को भी 1000 रुपया देंगे, परगनेत को भी 1000 रुपया देंगे, परमानिक को भी 1000 रुपया देंगे, योग माझी को भी 1000 रुपया देंगे, कुराम नाइकी को भी महीना 1000 रुपया देंगे, नाइकी गोरेत मूल रैयत पहला राजा ग्राम सभा का प्रधान घटवार दावेदार इस सारे लोग को सरकार महीना 1000 रुपया देगी। घंटाबाड़ी दोरामगढ़ एवं दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म के महासम्मेलन में देश विदेश से आए हमारे हजारों संथाल श्रद्धालुओं, आदिवासी भाइयों बहनों बच्चों, मीडिया के साथियों, मैं भी इस लुगु बुरु घंटाबाड़ी दोरामगढ़ में मारंग बुरु से आशीर्वाद लेने आया था कि मारंग बुरु हम झारखंड वासियों को इतनी शक्ति दो कि जो समृद्ध राज की गोद में जो गरीबी है, जो बेकारी है, जो लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, उनके जिंदगी में हम बदलाव ला सकें। और यही आराधना मैं मारंगपुर से की और मुझे पूर्ण विश्वास है इस मारंगपुर की जो मान्यता है कि सच्चे मन से अगर हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो मारंग गुरु से हमें आशीर्वाद मिलता है। और यही कारण है कि देश नहीं बल्कि दुनिया से इस मारंग गुरु से हमारे संथाल भाई बहन इस क्षेत्र में आकर आशीर्वाद लेने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सब दो दिन अपनी इस झारखंड की संस्कृति, सरना संथाल की संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा हम कैसे अछून रखे, कैसे मजबूत करें, इस पर भी आप चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह समुद्र के मंथन से अमृत निकला था, ये द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन से कोई मंथन निकलेगा, कोई मंथन होगा आप सबके सुझाव से और लुगु बाबा के आशीर्वाद से। ये जो 70 वर्ष के बाद भी जो आदिवासियों के जीवन में बदलाव आनी चाहिए, ये जो हमारी संस्कृति पर आज विदेशी शक्ति हमला कर रही है, अपनी परंपरा को हम कैसे एक रखें, इस पर आप जरूर चिंतन करके मंथन करेंगे। और जो भी मंथन आप करके निकालेंगे, सरकार का प्रयास रहेगी कि झारखंड की जो हमारी सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरव, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, असंख्य गरीब आदिवासी पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए
या झारखंड को अलग राज्य बनाने में लोगों ने कुर्बानी दी है। हम भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड बनाए, हम सिद्धू कानू की झारखंड बनाए, हम फूलो जानो चांद भैरव नीलांबर पीतांबर की झारखंड बनाए, ये हमारी सरकार का कृत संकल्पी है। और इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है, ये संथाल समाज जो काफी सरल सीधे हैं और काफी आप लोग इस 70 वर्ष में अनेक सरकार आई अनेक सरकार गई, लेकिन संथाल समाज किस लुगु बाबा और ये जो लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरामगढ़ को किसी ने राजकीय महोत्सव देने का काम नहीं किया। ये आपकी सरकार ने, हमने पिछले बार ही घोषणा की थी राजकीय महोत्सव का, और आज राजकीय महोत्सव के तहत देश दुनिया से हमारे जो श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने मिलजुल कर एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन और यहां की समिति जो शासन से समन्वय बनाकर जो हमारे देश दुनिया से श्रद्धालु आए उनको अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आने वाले वर्षों में इससे भी अच्छी व्यवस्था होगी। एक गेस्ट हाउस बन रहा है, एक म्यूजियम भी आप अगले बार आएंगे तो आप देखेंगे, यहां एक म्यूजियम भी आपको मिलेगा जो लुगु बाबा की पूरी इतिहास से हमारी आने वाली पीढ़ी, मैं देख रहा हूं काफी युवा पीढ़ी इस महोत्सव में शामिल है, और इसलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सरना सम्मेलन के आयोजक को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, किस तरह के सम्मेलन आयोजित कर हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जो अपनी आदिवासी संस्कृति है, संथाल की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अवगत कराने का काम ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सरना सम्मेलन के द्वारा, हमारे आयोजक के द्वारा की जा रही है। इसके लिए इस सरना सम्मेलन के आयोजक और पूरे टीम, बबलू सोरेन जी, मुर्मू जी, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रकृति के गोद में झारखंड बसा हुआ है, और प्रकृति के गोद में लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोराम जो जलायु और प्राकृतिक सौंदर्य से ये जगह कोई भी पर्यटक आएंगे तो उनका मन मोह ले, तो मेरा भी मन जब मैं पिछले बार आया था तो ये जगह ने मेरा भी मन मोह लिया था, लेकिन मैं देखा था लाखों लोग खुले मैदान में किस तरह लोग रह रहे थे, ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ था, और इसीलिए मैंने तय किया कि आने वाले समय में ये जब महोत्सव हो तो हमारे श्रद्धालु टेंट सिटी में रहे। और आपने देखा पहली बार, आप वर्षों से आ रहे हैं लेकिन इस महोत्सव में पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि दूर दराज से हमारे आए श्रद्धालुओं को टेंट सिटी में रहने की सुविधा प्राप्त हुई। मैं उस टेंट सिटी में भी गया था, मैं जो ठहरे हुए थे लोग से उनसे पूछा भी, चाहे हमारे दीदी हो चाहे भाई हो, सबने तारीफ की कि अच्छी व्यवस्था यहां के जिला प्रशासन के लोग ने की। ये जगह कितनी खूबसूरत है, पहाड़ है, जलप्रपात है, तालाब है, और सीधे सरल संथाल समाज की एक ये छटा जो हमारे समक्ष उपस्थित है, इससे भी देखकर और खुशी हो रही है। ये स्नेह की धारा
हमारी संस्कृति की विरासत और इस संस्कृति को हमें बचा के रखना है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार ने तय की कि राज्य के विभिन्न क्षेत्र में जो गरीब हमारा संथाल समाज है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसकी भी इच्छा रहती है जिस तरह उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश के प्रत्येक हिंदुओं के मन में ये इच्छा रहती है कि एक बार गंगा सागर में हम डुबकी लगा। उसी तरह देश दुनिया के हमारे संथाल समाज की इच्छा रहती है कि एक बार लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरामगढ़ में हम पूजा करके आए। तो ऐसे गरीब संथाल जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिले से वैसे गरीब संथाल समाज जो आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम नहीं है इस स्थान पर आने के लिए, राज्य सरकार ने 50 लाख रुपया देकर वैसे गरीब संथाल को भी दर्शन कराने का काम हमारी सरकार ने किया। यहां जो व्यवस्था देख रहे हैं इसमें लगभग 50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हुए। इस जगह को हमें और रमणीक, इस सांस्कृतिक पर्यटक स्थल विकसित करना है। आप सामने देख रहे होंगे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, पीने की पानी की व्यवस्था जो आप लुगु बुरु तक पहुंचने में अभी थोड़ी और बाकी है, एक महीने के अंदर ये काम पूरे हो जाएंगे। और इस तरह ये क्षेत्र जहां लाखों लोग देश दुनिया के लोग आते हैं, जिससे हमारी झारखंड की छवि भी जुड़ी हुई है, तो आने वाले समय में इस जगह को हम और पर्यटक स्थल बनाएंगे, ये आपसे वादा हम करना चाहते हैं। दूसरा, मैं आज के इस अवसर पर भारत का संविधान ने आदिवासियों को शोषित वंचित लोगों पर विशेष ध्यान देने का संविधान में प्रावधान, और हमारी सरकार भारत के संविधान का जो भावना है उसका आदर करते हुए, आपने देखा पहली बार झारखंड गठन होने के बाद धर्मांतर बिल हमने लागू किया, क्योंकि झारखंड में बड़े पैमाने पर विदेशी लोग हमारे गरीब आदिवासी समाज के लोभ लालच भय और लालच देकर हमारे पुरखों का वर्षों से जो हमारा धर्म हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे थे, और हमने कड़ा कानून बनाया। और मैं संथाल के शिकारी पाड़ा और अन्य क्षेत्र के लोगों को, मुखिया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल से कुछ लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए धर्म भ्रष्ट लोग आए थे, उनको गांव के लोगों ने पकड़कर रात भर रखा और पुलिस को हवाले करने का काम किया। और हमने संविधान का धर्म का पालन किया है, धर्मांतर कानून बनाकर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी धर्मांतर के घोर विरोधी थे, लोभ लालच भय दिखाकर जीवनोपरांत उसने धर्मांतर का विरोध किया, और उन्होंने कहा किसी भी सभ्य समाज के लिए धर्मांतर उचित नहीं। और हमारी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत का संविधान की जो भावना थी उस भावना का आदर करते हुए हमारी सरकार धर्मांतर बिल लागू किया, जिसमें कोई भी पकड़ाएगा तो 4 साल सजा और 1 लाख रुपया दिलेगा। इस सम्मेलन में मैं सभी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कोई भी झारखंड में कोई भी लोभ लालच से हमारी ये संथाल की संस्कृति को, हमारे लुगु बुरु के लुगु बाबा के धर्म के प्रति कोई भी किसी तरह की हरकत करे तो आप पुलिस प्रशासन को खबर करो, वो होटवार जेल में जाने का काम करेगा। इसलिए इस सरना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी संस्कृति को जो नष्ट करने वाले ये जो मैकाले के जो अंग्रेज पुत्र कुचियां हैं, उनको आपको पहचानने की जरूरत है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को ये मिटा दे।
इसलिए सभी यहाँ उपस्थित इस सरना सम्मेलन में सभी भाई बहन से, खासकर नौजवान नव युवतियों से मेरी ये अपील होगी कि अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा को हमें हर हाल में मजबूत रखना, और सरकार आपके साथ है आपकी धर्म, संस्कृति और परंपरा भाषा की रक्षा। और इसीलिए संथाल समाज की जो लिपि जो है ओल चिकी, ये ओल चिकी को भी हमारी सरकार मान्यता दे रही है। अब एक से पांचवी क्लास के बच्चे को ओल चिकी की भाषा से हम शिक्षा देंगे। अपनी मातृभाषा से हमारा संथाल समाज ओल चिकी से वन क्लास से फाइव क्लास तक हमारी बच्चा पढ़े, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। वन से टू में पढ़ाई हो रही है, किताब भी तीन से पांच पर हमने शिक्षा विभाग को सचिव को आदेश दिया। अपनी मातृभाषा में पढ़ाई, हम कितने ऊंचे पद पर जाएं, हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सरना महोत्सव में हमारे बबलू सोरेन या पूरी टीम अपनी मातृभाषा में सरना महोत्सव मना रहा है। हमें अपनी गर्व होनी चाहिए अपनी मातृभाषा में। हमें विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति जो अंग्रेजों ने थोपने की कोशिश की, आज भी कुछ अंग्रेज के औलाद यहां हैं जो हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं, वैसे सख्ती से हमें सावधान रहना। ये अंतर्राष्ट्रीय सरना महोत्सव में इसकी जागरूकता जरूर होनी चाहिए। और इसीलिए हमारी सरकार ने ये जो हमारी आदिवासी पारंपरिक व्यवस्था को जो हमारे धर्मगुरु या मानकी मुंडा को अब तक सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि देती थी, हमारी सरकार पहली बार हमने तय किया कि ग्राम प्रधान को भी हम 2000 रुपया प्रोत्साहन देंगे, डकवा को भी 1000 रुपया देंगे, परगनेत को भी 1000 रुपया देंगे, परमानिक को भी 1000 रुपया देंगे, योग माझी को भी 1000 रुपया देंगे, कुराम नाइकी को भी महीना 1000 रुपया देंगे, नाइकी गोरेत मूल रैयत पाला राजा ग्राम सभा का प्रधान घटवार दावेदार इस सारे लोग को सरकार महीना 1000 रुपया देगी, ताकि हमारी ये संस्कृति जो झारखंड की पारंपरिक व्यवस्था मजबूत रहे, इस पर कोई हमला ना करे। ये जितने मैं गुरु लोग का नाम लिया उनकी जिम्मेदारी है अपनी संथाल संस्कृति और झारखंड की संस्कृति को हम घर घर तक पहुंचा। और इसी को ध्यान में रखकर आजाद भारत में पहली बार इतने लोग को सम्मान पुरस्कार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आप देखें आजादी के बाद जब जब केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तक आदिवासियों की सूद लेने का काम, पहला बार सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो पहला बार वर्षों से जो संथाल का मांग था आठवीं अनुसूची में अगर किसी सरकार ने दी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के ने आपको आठवीं अनुसूची में संथाल का भाषा को मान्यता देने का काम। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी से भी पहले झारखंड की धरती से हमारे गरीब आदिवासी पुरखों ने लड़ी थी, चाहे वो सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, फूलो जानो हो, चांद बहरा हो, बिरसा मुंडा हो, शेख भिखारी हो, पंडित गणपत राय हो, लेकिन किसी ने आजादी कितने वर्ष ये गरीब आदिवासियों जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, खून बहाया, किसी सरकार ने मान्यता नहीं दी, इसको इतिहास के पन्नों से निकाल दिया। और एक ही खानदान ये देश को बताने क्या कि देश का आजादी को सिर्फ एक ही खानदान ने दिलाने का काम किया, लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पहली बार लाल किले से आपने सुना होगा भगवान बिरसा मुंडा सहित इस राज्य के वीर शहीदों का भी नमन करने का काम किया और 2500 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को सौंपे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के जेल को सौंदीकरण, और इस राज्य में जो भी 17-18 भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, फूलो जानो, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव सबका स्टेचू रांची में भगवान बिरसा मुंडा के जेल कैंपस में हम बना रहे हैं।
ताकि आने वाली पीढ़ी को पता हो कि आजादी का पहला उलगुलान पूरे देश में अगर कोई किया तो आदिवासी समाज सिद्धू कानू ने किया। ये देश को हमें बताना, उस शहीद स्मारक बनाकर हम उनका कर्ज उतारने का काम मोदी जी और हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आपको भी आप समझना होगा, युग बदल रहा, समाज बदल रहा, दुनिया बदल रहा, पुराने ढर्रे को लेकर ना चले। कितना आपका शोषण किया, जो शोषण किया 70 साल से वैसे लोग को पहचानने का काम करे और समय और युग के साथ अपने साथ चलकर अपने बच्चों का भी, आपके बच्चों का भी सपना, उस सपना को पूरा करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का काम। और इसीलिए झारखंड में जो हमारी आदिवासी दीदी हैं, बहने हैं, काफी मेहनती हैं। अगर कृषि उद्योग को देखे, पशु उद्योग को देखे, हमारी आदिवासी बहने दीदी संभालती है। हम आदिवासी बहनों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मुर्गी पालन में हर गरीब को 4 लाख रुपया देंगे। स्वयं सहायता सखी मंडल बनाकर आदिवासी समूह को हम अभी कपड़ा सीने, स्कूल का बच्चा का कपड़ा आप अपने घर में ही सीकर, अपने पंचायत के स्कूल के बच्चों को कपड़ा सीकर आपके जिंदगी में बदलाव ला रहा है। इसी तरह हमारी सरकार जहां 50% से ज्यादा आदिवासी लोग हैं, वहां आदिवासी विकास समिति बनाए, उसकी भी अध्यक्ष हम लोग ने दीदी को बनाया, क्योंकि हमारी महिलाएं काफी झारखंड की मेहनती है। और 5 लाख रुपये सीधे दीदी के अकाउंट में हम भेजने जा रहे हैं। तो सभी दीदी जो अध्यक्ष है अपने अपने आदिवासी विकास समिति के, वो अपने गांव में बैठक करके योजना चयन कर ले, सीधे आपके अकाउंट में जाएगा पैसा। और जो गांव के लोग तय करेंगे, छोटा चेक डैम या गांव में कुआं तालाब, कोई वीडियो सीओ, कोई अधिकारी का लफड़ा नहीं, आप तय करो, पैसा आपके अकाउंट में है, गांव वालों के साथ अपना गांव अपना काम। ये हमारी सरकार, जितने भी आदिवासी गांव है, आदिवासी विकास समिति के माध्यम से सीधे पैसे अपने दीदी के अकाउंट में देना, ताकि उस गांव में बुनियादी, आप देख रहे हैं हर आदिवासी के गांव में, घर में बिजली पहुंच रही है। आजादी के इतने वर्ष तक हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। जो गरीब है उसके प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत घर बन रहे हैं, जिसके घर में शौचालय नहीं उसको 12,000 रुपया देकर शौचालय बनाने का काम। ऐसे भी आदिवासी समाज बहुत साफ सुथरा रहते हैं, तो जो शौचालय बने उस शौचालय का उपयोग जरूर करें, क्योंकि 80% बीमारी खुले में शौच के कारण होती है। इसलिए साथ ही साथ हम आदिवासी गांव में अब शुद्ध पेयजल पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचे, इस दिशा में भी काम कर रहा है। 2022 तक झारखंड का कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां हमारी बहनें घर में पाइप लेके पानी लेके खोले, किसी को चापाकल के पास लाइन लगने की जरूरत नहीं। इस दिसंबर तक झारखंड का हर घर, चाहे पहाड़ में भी घर ना हो, क्यों ना हो गरीब का, उस गरीब के घर में भी बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार। और इसलिए यह आदिवासी सरना अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में समाज के साथ साथ हमारा समाज का विकास कैसे हो, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सारी समस्या का निदान विकास। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना, अगर गरीबी समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जड़ी बूटी, जिस तरह लुगू बुरु के जंगल में जड़ी बूटी मिलता है जिससे आपका स्वास्थ्य सुधरता है, तो ये गरीबी का सबसे बड़ा जड़ी बूटी है शिक्षा। तो बेटा और बेटी में पढ़ाई फर्क करने की जरूरत नहीं। अभी हम एक स्कीम ला रहे हैं, जैसे बच्ची जन्म लेगी सरकार उसके अकाउंट में, फिर 5वीं में, फिर 9वीं में, 11वां में, फिर 18 साल होगी तब पैसा दे, क्योंकि ये कम उम्र में शादी होने के कारण भी हमारी समाज में विकृति है। तो अपने बेटा और बेटी में पढ़ाई में फर्क नहीं करनी चाहिए, बेटा को भी पढ़ाओ, बेटी को भी पढ़ाओ। आप देख रहे हैं अगर हमारी बहनों और बेटी को कोई मौका मिलता है तो पुरुष से कोई कम नहीं है। आज खेलकूद में भी देखे, भारत का मान सम्मान हमारी देश की बेटियां बढ़ा। इसलिए संथाल समाज के लोग से अपील है, ये मन में आता बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा, बेटी तो प्राय घर का धन है,
इस मानसिकता को हमें बदलना है। बेटी अगर एक बेटी हमारी पढ़ेगी तो दो घर के संस्कार को बदलेगा। बेटा तो कभी कभी धोखा भी दे देता है, लेकिन बेटी कभी भी माँ बाप को धोखा नहीं देता। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाए। और पहले माननीय मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झारखंड सरकार ने नारा दिया पहले पढ़ाई उसके बाद विदाई। तो 18 साल के बाद ही बेटा बेटी का शादी का चिंता करें, कम उम्र में शादी ना करें। सभी यहाँ उपस्थित लोग से मेरा अनुरोध होगा, एक कानूनन जुर्म भी है। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ समय पर, जब उम्र कानून जब अलाउ करता शादी 18 साल के बाद, तभी 18 साल के बाद शादी करें। इस दिशा में भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो सरना सम्मेलन है, इस विषय पर भी विचार विमर्श करें। संस्कृति के साथ साथ विकास संस्कार कैसा हमारा नौजवान में डेवलप हो, ये सारे बिंदु पर आप दो दिन चर्चा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चर्चा से कोई अमृत निकलेगा जो हमारे गरीब आदिवासी के जीवन में बदलाव लाएगा। सरकार आपके साथ है। आज इस पवित्र दिन में आपको, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सबको बधाई देते हुए लुगु बाबा से आप सबके लिए, आप सबके घर में खुशहाली आए ये आराधना कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से धन्यवाद देना चाहते हैं। हरी हरी सर आओ नितो अकीना अक्टूबर हुआ अब जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त महोदय मोमेंटो भेंट कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि को। उनके पास अभी समय की अभाव है। अड़ी अड़ी सर हाओ नोए कथा वो आजम किया आड़ी ना पाए कि लिया गुना कि तेहेज अकीना सरकार अब तेहेज राजकीय महोत्सव लेकर तेनवा की घोषित।